दोस्तों, मैं हूँ फारूक अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपील अगेंस्ट इक्विटल। अपील अगेंस्ट इक्विटल याद रखिएगा, हमेशा हाई कोर्ट के अंदर आप फाइल करेंगे। अपील अगेंस्ट इक्विटल सेशन कोर्ट में फाइल नहीं होती, चाहे मजिस्ट्रेरियल कोर्ट फैसला करे चाहे सेशन कोर्ट फैसला करे। अगर ऑर्डर ऑफ इक्विटल है तो ऑर्डर ऑफ इक्विटल के खिलाफ अपील हमेशा जो फोरम होगा वो हाई कोर्ट होगा। अपील अगेंस्ट इक्विटल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 417 के तहत फाइल की जाती है। 417 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो तीन सूरत हाल बताता है इक्विटल की अपील फाइल करने के लिए। नंबर वन, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इक्विटल के ऑर्डर से एग्रीव्ड है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल करना चाहती है तो वो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल कर सकती है, और उसके लिए जो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 157 लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड करता है अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल करने के लिए, वो 6 मंथ्स का बताता है। इसके बाद अगर कंप्लेंट केस के अंदर आप अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए 417 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का ये प्रोवाइड करता है कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील। जब वो एप्लीकेशन आप देंगे तो ये एप्लीकेशन आपने इक्विटल के ऑर्डर के होने के विद इन 60 डेज फाइल करनी होती है। जब ये एप्लीकेशन अगर एडमिट हो जाती है देन आपकी अपील इक्विटल के खिलाफ लाए करेगी। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील रिफ्यूज हो जाए तो 417 का सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील रिफ्यूज हो जाएगी देन इक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाए नहीं करेगी। और कंप्लेंट केस के अंदर एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील दायर करने का जो लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड है वो सेक्शन 417 के सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत बयान करता है कि वो टाइम पीरियड 60 डेज का है इक्विटल ऑर्डर से। अब आते हैं चालान केस की तरफ। चालान केस के अंदर इक्विटल ऑर्डर के पास होने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल करना पड़ती है। ये चीज प्रोवाइडेड है सेक्शन 417 के सबसेक्शन 2A के तहत इक्विटल ऑर्डर के खिलाफ अपील चालान केस में आप 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करेंगे। बात और जो इसके अंदर अहम है वो ये है कि चालान केस के अंदर डायरेक्ट आप अपील फाइल कर देते हैं इक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट, जबकि कंप्लेंट केस के अंदर डायरेक्ट अपील अगेंस्ट इक्विटल ऑर्डर फाइल नहीं होती। पहले आपको एप्लीकेशन गुजारनी पड़ती है ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील की। जब वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होगी तब अपील लाए करेगी, अदरवाइज अपील लाए नहीं करती कंप्लेंट केस के अंदर। जबकि चालान केस में ऐसा नहीं होता, चालान केस के अंदर आपने डायरेक्ट अपील फाइल करनी होती है। इसके अंदर चालान केस के अंदर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील की जरूरत नहीं होती।